लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बॉलीवुड के टॉप 10 महंगे सिंगर्स, नंबर एक की फीस जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपको स्माइली सूरज के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोज आपके लिए मनोरंजन न्यूज लेकर आते रहते हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे पीले रंग के बटन को दबाकर हमें फॉलो करें, ताकि आपके लिए हम रोज ऐसी रोचक न्यूज लाते रहें। एक, राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान सिंगर में एक नंबर पर आते हैं। यह अपने दर्द भरे गानों के बादशाह है। जब किसी का फल टूट जाता है तो इन्हीं के गाने सुनकर अपने दर्द को भूलते हैं। एक गाने में अपनी आवाज देने के लिए ये पूरे 20 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं। दो, सोनू निगम। सोनू निगम बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही पुराने और स्मार्ट सिंगर है। यह कई सारे एक से एक टॉप सॉन्ग्स गए हैं। इनके आवाज में काफी मिठास है। ये गाने में अपनी आवाज देने के लिए पूरे 17 लाख तक की फीस लेते हैं। तीन, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह अपने आप में एक बड़े सिंगर है। इनके लगभग बहुत से गाने टॉप पर हिट हुए हैं। ये बहुत ही मंझे कलाकार है। रोमांटिक गानों को लेकर इनकी आवाज को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अरिजीत एक गाने के लिए 15 लाख से अधिक रुपए लेते हैं। चार, श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल की आवाज कोयल जैसी मीठी एवं सुरीली है। ये ज्यादातर रोमांटिक गानों में अपनी आवाज देती है और इनके गाने को बहुत से युवाओं सुनते हैं। ये एक गाने के लिए 13 से 15 लाख तक फीस चार्ज करती है। पाँच, आतिफ असलम। आतिफ असलम की आवाज को लोग काफी दिल से सुना करते हैं, जिस वजह से इनका नाम लिस्ट में नंबर 5 पर है। ये एक गाना गाने के लिए पूरी 10 से 15 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। छह, मीका सिंह। मीका सिंह बॉलीवुड के स्मार्ट और सबसे महंगे गायक कलाकार माने जाते हैं। ये बेहद खूबसूरत गाते हैं, इनकी आवाज में काफी झनकार है। बता दें कि मीका सिंह एक गाने में अपनी आवाज देने के लिए पूरे 13 लाख रुपए की फीस लेते हैं। सात, बादशाह। बादशाह की आवाज बिजली की तरह है। इनका रीमिक्स गाना बेहद ज्यादा पसंद किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि बादशाह एक गाने में अपनी आवाज देने के लिए 10 से 12 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। आठ, अंकित तिवारी। अंकित तिवारी काफी अच्छे गायक है। इन्होंने फिल्म आशिकी 2 के गानों को लेकर काफी फेमस हो गए हैं। ये रोमांटिक सॉन्ग्स इतने अच्छे गाते हैं कि सुनते सुनते नई दुनिया में खो जाते हैं। एक गाने में अपनी आवाज देने वाले अंकित तिवारी 6 लाख रुपए लेते हैं। नौ, नेहा कक्कर। अभी के समय नेहा कक्कर के गाने के काफी बॉय और गर्ल दीवाने हैं। बॉलीवुड में मौका ना मिलने के कारण ये अपनी आवाज एल्बम सॉन्ग्स में देती है और फेमस भी हो गई है। बता दें कि यह एक गाने के लिए 3 से 5 लाख रुपए लेती है।